हाँ जी जोर से बोलो। प्रशांत जी जीवन में होता मैं देखती है तो पहली बार माफ, दूसरी बार माफ, ज्यादा से ज्यादा तीसरी बार माफ क्या तीन बार से ज्यादा होता मिल नहीं देती होता मिल देंगे परसेंटेज माफी का घटता जाएगा देते जाओ पोर्शन अपना पोता मिल करते जाओ भी कर्म मनते जाओ बेशरम परसेंटेज घटते घटते आखिर शून्य हो जाएगी फिर क्या होगा फिर अभी अभी विकर्म किया और अभी अभी उसका क्या होगा उसका रिजल्ट मिल जाएगा प्रैक्टिकल में ऐसे भी होता होगा बहुतों को कि अभी अभी विकर्म करते हैं और अभी अभी उसका फल मिल जाता है और जोर से बोलो। हाँ विष्णु के विराट देह में क्या विराट माने विकराल रूप बड़े से बड़ा रूप जिसमें 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं का पार्ट भरा हुआ है बड़े से बड़े राक्षस भी उसमें दिखाए जाते हैं और बड़े से बड़े पुण्यात्माएं भी उसमें दिखाए जाते हैं देवताएं भी दिखाए जाते हैं जानवर भी दिखाए जाते हैं माने जानवर बुद्धि जो है वो भी दिखाए जाते हैं। वो विष्णु है ही मनुष्य सृष्टि का बीज वो आत्मा 500-700 करोड़ का बीज है या नहीं है बीज है तो बीज जब पूर्ण विस्तार को पाता है तो विराट रूप धारण कर लेता है तब नंबर बार एक एक अर्जुन को साक्षात्कार हो जाता है अर्जुन माने अर्जन करने वाले सभी अर्जन करने वाले पुरुषार्थियों को साक्षात्कार हो जाता है नहीं तो उससे पहले संशय करते रहते हैं कि ये बड़े से बड़ा विराट रूप नहीं हो सकता क्योंकि साधारण तन में आता है साधारण पार्ट बजाता है जैसे दुनिया के सर्वसामान्य मनुष्य पार्ट बजाते हैं अपनी कर्म इंद्रियों से ऐसा ही पार्ट बजाता है तो समझ नहीं सकते हैं आखिरीन कब समझता है अर्जुन है जब विराट रूप सामने आता है तब समझ जाता है और अभी तुमको इसमें ही मत मिलती है अभी तुमको इसमें ही मत मिल रही है जब ये पेड़ संपूर्ण हो जाएगा फिर देवी मत मिलेगी तो जब आराम वाली आत्मा संपूर्ण हो जाएगी फिर क्या शिवनी रहेंगे चली जाएगी बाप आते हैं तो कहते हैं मैं तुम बच्चों को आप समान बनाता हूं तो एक ही बच्चे को आप समान बनाते हैं या नंबर बार और भी बनेंगे आप समान तो उनके लिए टाइम चाहिए कि नहीं हाँ जो बाप समान बन जाता है वो फिर बाप की दुकान संभालने का भी हकदार बन जाता है और ज्ञान लेने के बाद आत्मा का अभ्यास भी करते हैं फिर भी भय क्यों लगता है अंधकार में अंधकार माने अज्ञान अगर आत्मा आत्मिक रूप में स्थित है और आत्मा ज्योतिर्मय है
यह अंधकार रूप है। क्या है? है आत्मा तो ज्योति का पुंज है, और वो आत्मा जब परमात्मा ज्योति के साथ एक हो जाती है, बाप समान बन जाती है, तो अंधकार उसके सामने ठहर सकता है? भय लगता है माने देह अभिमान है। देह का विनाश होता है या आत्मा का विनाश होता है? देह के विनाश होने का डर लगता है। आत्म की स्थिति में स्थित हो गए तो डर लग ही नहीं सकता। हाथ उठा देना। हाँ सीता जब वनवास जाती है तो वनवास में जाने के बाद लव कुश को जन्म देती है, तो है एडवांस के आदि में राम के बच्चे नहीं थे? है लव, लव माने प्यार। किसका प्यार है? देह का प्यार या आत्मिक प्यार? अच्छा, त्रेता के बाद आत्मिक प्यार पैदा होता है। राम कौन से युग का कहा जाता है? त्रेता का राम कहा जाता है। तो त्रेता में मानवीय औलाद होगी, भले देवता है, या ईश्वर की औलाद होगी, मानवीय औलाद होती है। तो जो मानव हैं वो देह का प्यार करते हैं या आत्मा का प्यार करते हैं? बताओ, देह का प्यार करते हैं। उन देह का प्यार करने वालों में जो उनका बाप है उसका नाम रख दिया लव, बाकी उस लव के जितने भी फॉलोअर या बच्चे होंगे वो सब देह का प्यार करने में उस्ताद होंगे या आत्मिक प्यार के उस्ताद होंगे? वो देह का प्यार करने के उस्ताद होते हैं। तो लव तो वो हुआ जो इस्लामियों का बीज है। किसका बीज है? इस्लामियों का बीज है। और कुश कौन हुआ? कुश माने कांटा, एक घास होती है, उस घास का कांटा बड़ा नुकीला होता है, बड़ा लव है या बड़ा कुश है? है लव बड़ा होता है, पहले पैदा होता है और बाद में कुश की पैदाइश होती है। तो इब्राहिम इस्लाम धर्म बड़ा कांटा हो गया, काम का बड़ा कांटा, काम विकार का, और उसके बाद कौन सा विकार है? क्रोध। तो क्रोध का बड़ा कांटा कौन है? क्राइस्ट, क्रिश्चियंस ही क्रोध का बड़ा कांटा बनते हैं। और क्रोध काम विकार की औलाद है या संगी साथी है
या उससे बड़ा है? काम विकार से छोटा है, क्योंकि जहां काम विकार होगा वहां अंदर क्रोध जरूर भरा पड़ा है। काम विकार की आशा पूरी नहीं होती है तो भयंकर क्रोध आता है। तो क्रोध भी छोटा मोटा विकार नहीं है। उन क्रोधियों का बाप, उसका नाम क्या दिया है? अरे राम के कितने पुत्र हुए? लव और कुश। तो ये बड़ा कांटा है। लव कुश है, राम की राजधानी में पैदा हुए, राजधानी तैयार हो गई तब पैदा हुए, या राजधानी के बाहर जंगल में पैदा हुए? कांटों के जंगल में पैदा हुए। तो यज्ञ के आदि में ही चारों मुख्य धर्मों की बीज रूप आत्माएं प्रत्यक्ष हो चुकी थी। प्रत्यक्ष होना माने जन्म लेना। देवी देवता सनातन धर्म का बीज भी था। कौन? राम। इस्लाम धर्म का बीज भी पैदा हुआ, लव। बौद्ध धर्म का बीज भी पैदा हुआ और क्रिश्चियन धर्म का बीज भी पैदा हो गया। चारों ही मुख्य धर्मों की पैदाइश साथ साथ हो गई। यज्ञ के आदि में भी बाबा ने इशारा दिया है। पहले बंगाल में कितने घोड़ों की गाड़ी पर चलते थे? चार घोड़ों की गाड़ी पर चलते थे। ये लौकिक बाप का, लौकिक बात का उदाहरण बाबा ने क्यों दिया? क्योंकि उस रथ को चलाने वाले, खींचने वाले कितनी आत्मा रूपी अश्व थे? चार आत्मा रूपी अश्व थे। जैसे आदमी थे, बेसिक के आदमी, ऐसे ही एडवांस के आदमी भी ये चारों आत्माएं थी। इसलिए शास्त्रों में दिखा दिया है कि राम को लव और कुश बच्चे पैदा हुए, वो राजधानी में पैदा नहीं हुए, कांटों के जंगल में पैदा हुए। जब एडवांस पार्टी की स्थापना हुई तो उस समय क्या स्वर्ग की भी स्थापना हो गई थी कि दुनिया नरक ही थी? क्या था? नरक ही दुनिया थी। और रावण किसे कहा जाता है और तीव्र पुरुषार्थ किसे कहा जाता? ब्राह्मण पुरुषार्थ रावण, कामन माने साधारण पुरुषार्थ, सामान्य पुरुषार्थ। सामान्य माने जो ज्यादा से ज्यादा लोग कर सकते हैं, वो सामान्य पुरुषार्थ हुआ। और तीव्र पुरुषार्थ तो जो तीव्र बच्चे होंगे वो ही कर सकेंगे, जिनकी बुद्धि बहुत तीव्र होगी, तीखी बुद्धि होगी। जो तीव्र बुद्धि होगा वो महीन बुद्धि होगा या नहीं है? महीन बुद्धि होगा तो ज्यादा ज्ञान की गहराई में जाएगा या ऊपर ऊपर तैरेगा है? ज्यादा ज्ञान की गहराई में जाने वाला जरूर तीव्र पुरुषार्थी होगा।
और सभी धर्म क्यों बने? सभी धर्म क्यों बने? सभी धर्म क्यों बने? बने माने किसी ने बनाया है? दुनिया में एक बाप के कई बच्चे होते हैं, तो कोई कहे ये कई कई बच्चे क्यों पैदा किए, कई कई बच्चे क्यों बने है? कह सकते हैं, अरे ड्रामा में यही है, नहीं तो ड्रामा शोभेगा नहीं। कोई बड़ा हो, कोई छोटा हो, कोई लंबे समय तक चलने वाला है, कोई कम समय तक चलने वाला है, कोई कम ताकत वाला है, कोई ज्यादा ताकत वाला है, तो ड्रामाबाजी अच्छी चलती है। इसलिए ये अनेक धर्म दिखाए गए हैं, तो पता चले इस दुनिया में अनेकता का भी साम्राज्य होता है और एकता का भी साम्राज्य होता है। और बाबा, जब बाबा किसी भी धर्म में कन्वर्ट नहीं होते तो हाथ उठाओ। हाँ, जब बाबा किसी भी धर्म में कन्वर्ट नहीं होते तो बाबा हर धर्म की बीज रूप आत्मा बाबा कैसे? कन्वर्शन उसे कहा जाता है जो जन्म लेने के बाद कन्वर्ट होता है। क्या किसी परिवार में, किसी कुल में, किसी माँ बाप के घर में जन्म ले लिया और जन्म लेने के बाद बड़ा हो फिर कन्वर्ट हो जाए दूसरे धर्म में, माँ बाप के धर्म को छोड़ दे, तो उसे कहा जाएगा कन्वर्शन। लेकिन कोई आत्मा ऐसी है जो जन्म लिए बगैर ही पहले से ही माँ के पेट में जन्म लेती है दूसरे धर्म में, माने जन्म लेने के बाद कन्वर्ट नहीं होती लेकिन शरीर छोड़ने के बाद दूसरे धर्म के वंशियों के गर्भ में जाकर के प्रवेश होते हैं, फिर जन्म लेते हैं। तो क्या वो कन्वर्ट होते हैं बाद में है? उस जन्म में कन्वर्ट नहीं होते। वो कन्वर्शन का कारण ये है कि भारत ही है जो सब धर्मों का मातृपिता है। क्या मातृ देश कौन सा है? भारत ही मातृ देश। तो सभी धर्मावलंबियों का, धर्म पिता का जो आगमन है वो कहां से होता है? भारत के ही कन्वर्ट हो करके दूसरे धर्मों में जाते हैं। दूसरे देश के लोग कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो ये भारत का ही पार्ट है कन्वर्ट न होने का। जहां भी जन्म लेंगे, क्या आदि सनातन धर्मावलंबियों में जन्म लेंगे तो धर्म के पक्के होकर रहेंगे, मरते दम तक पक्के होकर रहेंगे। और बाय चांस जैसे महात्मा बुद्ध, उनका जन्म आदि सनातन देवी देवता धर्म के परिवार में हुआ। जन्म लेने के बाद जब बड़े हुए तो बौद्ध धर्म में आ गए, बौद्ध धर्म स्थापन कर लिया और सनातन धर्म को छोड़ दिया। उनका नाम पहले सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ से नाम बदलकर बुद्ध नाम रख दिया गया, तो उसे कहा गया कन्वर्शन, कन्वर्ट हुए। लेकिन उनका जो बाप है
जिसने महात्मा बुद्ध को जन्म दिया या उसका बाबा ग्रैंडफादर जिसने सिद्धार्थ को प्यार दिया। बाबा भी प्यार देता है ना, तो बाप और बाबा दोनों ने देखा कि सिद्धार्थ जिसका नाम बदल करके बुद्ध नाम पड़ा, वो चीन जापान एशिया आदि के देशों में जाकर के बड़ा धर्म संस्थापक बन गया, दुनिया की बड़ी बड़ी जेंट्री उसको मानने लगी, उसके सामने सर झुका दिया। तो बाप या बाबा उनका दिल अपने ऐसे शौर्यवान बच्चे के प्रति खींचेगा या नहीं खींचेगा? है खींचेगा, और जीवन पर्यंत तक खींचा रहता है, लेकिन वो उस जन्म में कन्वर्ट नहीं होते, लेकिन सारा जीवन जहां दिल जाता रहता है अंतमते सो गते हो जाती। इसलिए वो आत्माएं जिन्होंने सिद्धार्थ को जन्म दिया या सिद्धार्थ के बाप को जन्म दिया, वो जन्म देने वाली पिता रूप आत्माएं, चाहे छोटा पिता हो चाहे बड़ा पिता हो, पिता माने बीज, वो आत्माएं कन्वर्ट होने वाली नहीं है उस जन्म में, लेकिन दिल उनका बच्चे के प्रति खींचता रहता है, इसलिए अंत समय में जाकर के बौद्ध धर्म में जन्म ले लेते। ऐसे ही सभी बीज रूप आत्माओं का हिसाब है। बीज रूप आत्माएं वो जो पूरे 84 जन्म लेती है। क्या बाप के बच्चे बनती हैं? गॉड फादर बाप शिव बाबा से वर्षा लेती है। कौन से युग में? संगम युग में वर्षा लेती है। ऐसे नहीं कि सतयुग में जाके नारायण बनेंगे, सतयुग में जाके सेकंड थर्ड फोर्थ एट्थ नारायण बनेंगे, नहीं, वो विश्व की बादशाही का वर्षा कहां लेंगे? है संगम युग में वर्षा लेते हैं। संगम युग में 500-700 करोड़ जेंट्री के बीच में महानता सिद्ध कर देते हैं। तो पावरफुल आत्माएं हैं या कमजोर आत्माएं हैं? ऐसी पावरफुल आत्माएं जहां कहीं भी जन्म लेंगी, जिस किसी भी परिवार में जन्म लेंगी, जिस किसी भी कुल में जन्म लेंगी, जिस किसी भी धर्म में जन्म लेंगी, वहां कदापि कन्वर्ट नहीं होंगी। अपने बाप का नाम बदनाम नहीं करती कर सकती। हां, फिर उस धर्म में जाकर के उनको पता चल जाता है कि यहां तो ये त्रुटियां हैं, तो अंत समय में वहां से दिल हट जाता है और वापस फिर भारत में आ जाती है। कब? जब उस धर्म का राज्य स्थापन हो जाता है। बाप का काम क्या है? बच्चों को वर्षा देना। शिव बाप का काम क्या है? है बच्चों को वर्षा देना। तो शिव बाप का जो काम, बाप समान बच्चों का भी वही काम है। जहां भी जिस धर्म वंश में जाके जन्म लेंगे, वहां उस धर्म वंश का नाम बाला करेंगे, राजाई स्थापन करेंगे। क्या और धर्म संप्रदायों में जो भी धर्म पिताएं हुए हैं,
वो राजा ही स्थापन नहीं करते हैं, लेकिन बाप क्या करते हैं? हैं? भगवान बाप राजा ही स्थापन करते हैं, और भगवान बाप का विरुद्ध है कि मैं अपने बच्चों को आप समान बनाकर जाता हूं। तो आप समान कब कहे जाएंगे? जो बाप ने किया वो बच्चे भी करके दिखाने वाले बने, तो वो बाप के जो बच्चे हैं माला में आने वाले वो भी यही काम करते हैं। क्या? राजाई स्थापन करते हैं, धर्म स्थापना के कार्य में साथ ही सहयोगी बनने के साथ साथ राजाई भी स्थापन करते हैं। इसलिए बाबा ने बोला है कि संगम युग में ही 8 राजाइयां स्पष्ट देखेंगे। क्या? ब्राह्मणों की दुनिया में संगम युग के अंदर ही कितनी राजाइयां स्थापन हो जाएंगी? 8 राजाइयां स्थापन हो जाएंगी। फिर उन राजवंशों का, उन धर्म वंशों का स्थापना के साथ साथ फिर विनाश भी होगा या नहीं होगा? है? होगा। उन 8 राजाइयों का विनाश भी होता है। कौन से युग में? संगम युग में ही विनाश होता है। और उनमें जो एक है बृहस्पति, 9 ग्रह आपस में टकराएंगे, 9 के फॉलोअर्स युद्ध करेंगे, बड़ी लड़ाई हो जाएगी। और टकराते टकराते बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, वो ही रह जाएगा। बड़े पत्थर से छोटे छोटे पत्थर बार बार टकराएंगे तो कौन बचेगा? बड़ा ही बचेगा। और भ्रष्ट पत्ता जो है कृष्ण, वो 84 जन्म पूरे लेते, लेकिन उनको जन्म देने वाले 4.5 लाख आत्माएं जो है उनका तो ऑलराउंडर पार्ट थे ना, वो 84 जन्म वाले, हम ऑलराउंडर वाले। जो ऑलराउंडर वाले हैं, जो कृष्ण और कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देने वाले हैं, कृष्ण जैसे बच्चे भी 4.5 लाख और उनको जन्म देने वाले भी 4.5 लाख, तो 5000 वर्ष का जो ड्रामा है उसमें लंबा जीवन शरीर से किसका होगा? है? किनका? ऑलराउंडर वाले। जो ऑलराउंडर वाले हैं उनका लंबा टाइम होगा। कृष्ण वाली आत्मा के ही बता दिए कितने जन्म कम हो जाते, कितना टाइम कम हो जाता है 5000 वर्ष में? 50 वर्ष कम हो जाता है। तो और उनके फॉलोअर्स का भी यही हाल होता है, जन्म तो 84 लेंगे लेकिन एवरेज एज कम होगी। और शिव बाबा को पता कैसे चलता है कि मनुष्य सृष्टि पर जाने का समय हुआ है और परम धाम जाने में कितना समय हुआ है? संगम युग है, आत्माओं में पार्ट भरने का युग। हम और तुम जो पुरुषार्थ करते हैं उस पुरुषार्थ में अनेक जन्मों का पार्ट कब भरते हैं? और शिव बाबा भी पार्ट बजाते हैं या नहीं बजाते हैं? तो उनकी आत्मा में पार्ट भर जाता है, जैसे रिकॉर्ड होता है और रिकॉर्ड घूमता है। जो गीत बजना होगा वो समय रूपी सुई के नीचे आएगा तभी बजेगा या उससे पहले बजेगा?
है, समय पर ही बजेगा। तो ये 5000 वर्ष के ड्रामा में शिव बाबा का भी अपना पार्ट नुदा हुआ है और संगम में ही ये पार्ट नुद जाता है। जब आते हैं तो उनकी आत्मा को भी तलक हो जाती है, मेरे बच्चे दुखी हैं, और आ जाते हैं। नहीं तो 400-500 करोड़ आत्मा, वो 40 करोड़ आत्माओं ने इकट्ठे ऊपर गुहार लगाई पतित पावनाओ, तब तो नहीं आया। कब आया है, कब आया? जो दुनिया की सबसे पावरफुल आत्माएं हैं, लक्ष्मी नारायण जो पावरफुल हैं, वो हिम्मत पहले हारते हैं या बाद में हारेंगे? तो वो हिम्मत जब इस दुनिया से टक्कर लेने में हार जाती है और बाप को पुकारती है, तो बाप आ जाते हैं। और हाँ, आत्मा की सारी कट उतर जाने पर तो बच्चे डायरेक्ट बाप से पढ़ेंगे, तो ये सारी कट क्या होती है बाबा? सारी कट का मतलब है सिवाय ज्योतिबिंदु आत्मा के और कुछ भी याद ना आए। लगातार ज्योतिबिंदु आत्मा और बाप परम पिता याद आए, ये दुनिया का सारा चक्कर क्या हो, भूल जाए, तो समझ लो उन आत्माओं ने चक्कर पूरा कर लिया। कहां की वासी हो गई? परमधाम वासी हो गई। देवान का नाम निशान खत्म हो गया। और तुम्हारा अकेली सुख पड़ेगा, तब कड़ी से कड़ी तुम्हारी आदि भी छूट जाएगी। इंद्रिय सुख को इंद्रियों से भागा नहीं जाता है, बीमारी को गहन में रहती है। बीमारी के अतीन्द्रिय सुख होगा ही तभी, जब इंद्रियों का सुख नहीं भोगेंगे आत्मा का सुख भोगेंगे। जो देवताएं हैं वो आत्मा का सुख भोगते हैं या इंद्रियों का सुख भोगते हैं? है? आत्मा का सुख भोगते हैं। उनकी देह में बीमारी आती है, आएगी है? आएगी, वो आत्मिक स्थिति से ही सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। देवान आने से ही सारी बीमारियां शुरू होती। देह का विनाश होता है या आत्मा का विनाश होता है? तो देह समझेंगे तो बीमारी आएगी, देह समझेंगे ही नहीं तो बीमारी आएगी ही नहीं। और जब गुरु कौन है? इधर लास्टिंग गुरु कौन है? है? अरे गुरु तो दुनिया में बहुत हैं, लेकिन आखिरी गुरु कौन है जो सदगति करने वाला है? 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 शिव बाबा। तो शिव बाबा भी सामने खड़ा है और आत्माओं का बाप शिव भी हम जानते हैं कि सामने है। अब पांव किसके होते हैं? शिव को पांव होते हैं या शिव जिसमें प्रवेश करता है उसको पांव होते हैं? तो किसको लागू पाए, किसको लागू पाए? जिसको पांव होंगे उसी को पांव लगा जाएगा ना, जिसको पांव है ही नहीं उसको पांव लगने की बात ही नहीं। बाबा, जो बच्चे डायरेक्ट बाप से पढ़ रहे हैं, आपने अभी बताया कि उनका देहभान खत्म हो जाता है। नहीं तो ऐसा किसने कहा कि डेली पढ़ रहे हैं? हाँ, तो ये सवाल है,
तुम बच्चे आत्मा की कट उतरने पर डायरेक्ट बाप से सीखेंगे तो मतलब देहवान क्या पूरा खत्म हो जाता है जब डायरेक्ट बाप से पढ़ते हैं? नहीं, ये कहा आत्मा रूपी जो रिकॉर्ड है उसमें से सारी मैल छट जाएगी तो तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से सीखेंगे। अभी जो भी बच्चे सीख रहे हैं, पढ़ाई पढ़ रहे हैं, उनको डायरेक्ट बाप मिला है या संशय बुद्धि होते रहते हैं? एक से पढ़ते हैं या दूसरों की बात भी मानने लग पड़ते हैं? है? औरों की भी बातों में आ जाते हैं तो एक से पढ़ते हैं या अनेकों से पढ़ते हैं? किससे पढ़ते हैं? है? अनेकों से पढ़ते हैं। सारी कट कब उतरेगी? जब एक को याद करेंगे या विचारी याद करेंगे? है? एक को याद करेंगे, एक ही बुद्धि में बसेगा, एक से ही पढ़ाई पढ़ेंगे और किसी की बात सुनेंगे ही नहीं। एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल लिया। तो ऐसे बच्चों के लिए कहा जाएगा कट उतरी, फिर डायरेक्ट बाप से पढ़े। हाँ, जो पोता मेल देते हैं उनकी लिस्ट में जो पहले नंबर का मणका है उसके पाप भस्म होते हैं या नहीं? है? होते हैं। और पोता मेल देने के कारण आधे पाप भस्म हो जाते हैं और आधे योग बल से भस्म होते हैं पहले मणके के। तो जो मणके पोता मेल देते ही नहीं, न धन का पोता मेल देंगे, हमने क्या कमाया क्या नहीं कमाया पता नहीं, बाप हमसे छीन ले मांग ले तो सौतेले बच्चे हैं या मातेले बच्चे हैं? है? जो सौतेले बच्चे हैं उनको वर्षा मिलना चाहिए? है? वर्षा ही नहीं मिलेगा, वो बाप के पक्के बच्चे हैं ही नहीं, सच्चे बच्चे हैं ही नहीं। सच्चे खंड स्थापन करने वाला सच्चा बाप आया हुआ है। तो सच्चे बाप को क्या प्रिय है? तुम्हारा तन, तुम्हारा धन, तुम्हारे मित्र संबंधी, बाल बच्चे? सच्चे बाप को ज्यादा क्या प्रिय है? सच्चाई प्रिय है। और सच्चाई देने वाला बच्चा ही नहीं है, छुपाने वाला बच्चा है, छल छिद्र कपट करने वाला बच्चा है, तो उसको वर्षा देंगे? देंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। है? कौन बोल रहा है? हाँ। लिख नहीं सकता, उसका फिर क्या? ठीक है, जो उसका अपना अजीज दोस्त हो उससे लिखवा ले। जो समझते हैं कि ये हमारा अजीज दोस्त है, ये किसी को औरों को बताएगा नहीं, उससे लिखवा ले। और हिंदी तो बड़ी सहज भाषा है, विदेशी लोग भी जल्दी पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, लिख लेते हैं, तो आप क्यों नहीं लिख सकते, पढ़ सकते, समझ सकते? है? क्यों नहीं पढ़ सकते, लिख सकते, समझ सकते? आप में क्या खास बात हो गई? हमने खाना रोटी कभी बनाई नहीं, हमने खिचड़ी कभी बनाई नहीं, इसलिए हम बना नहीं सकते, ये कोई दलील हुई? है? आदमी करे तो क्या नहीं कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन एक बहानेबाजी है। हाँ। जब बर्फ में शरीर दब जाएंगे तो आत्मा ऊपर तौंदा में तो जाएगी थोड़े समय के लिए, कुछ ज्यादा समय के लिए,
कोई की थोड़े समय के लिए जाएगी, कोई की लंबे समय के लिए जाएगी। लेकिन बाबा साइंस और डॉक्टर लोग साइंस और डॉक्टर लोग कहते हैं कि 3 मिनट से ज्यादा अगर आत्मा शरीर के अंदर वापस एंटर नहीं होती तो वो शरीर की मांसपेशियां सिकुड़ने लगती है। होता है मांसपेशियां सिकुड़ने लगती है। अरे शरीर अगर बदलेगा नहीं तो शुद्ध शरीर कैसे बनेगा? बर्फ जो है वो बर्फ परिवर्तन करेगी कि नहीं करेगी? अरे बर्फ परिवर्तन जरूर करेगी, चोट लग जाती है, कोई को खून खार हो जाता है, तो और दवाई से उतना जल्दी फायदा नहीं होगा, क्या करें? बर्फ लगा देते हैं। तो ये बर्फ में गुण है, ये तो स्थूल बर्फ है, और स्थूल बर्फ उन्हीं को ही मिलेगी जिनकी आत्मा बर्फीली हो जाए। बर्फ जब पानी बन जाती है तो बहने लगती है नीचे की ओर। क्या? जब आत्मा बर्फ जैसी बन जाए, जाम हो जाए, एक बिंदु, दूसरा कुछ भी नहीं, तो आत्मा संपन्न बन गई, असली बर्फीली बन गई। वो शुद्ध आत्मा है या अशुद्ध आत्मा है? है शुद्ध बन गई। और शरीर कोमा में चला जाता है तो आत्मा की स्थिति होती है? कोमा में चला जाता है, जैसे कि सन्यासी लोग नील में चले जाते हैं, कुछ भी याद नहीं रहता। और है आसाम, आसामी माने आदमी, कोई बड़ा आदमी होता है, कोई छोटा आदमी होता है। रौद्र रूप धारण करना कैसे कहते? भयंकर रूप धारण कर ले। सोहम शिवोहम और ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि, तीनों का शूटिंग कौन करते हैं? तीनों का शूटिंग कौन करते हैं? सन्यासी। तीनों सोहम भी हो रही है, उल्टा समझते हैं सोहम का अर्थ। बाबा सही करके बताते हैं, सो देवता अहम, ये सही अर्थ है। ऐसे नहीं, सो शिव बाबा अहम, सो भगवान अहम, ये सही है या उल्टा है? हैं? हम शिव बाबा हैं, हम वो ही शिव बाबा हैं जो पहले शिव बाबा था, भगवान था, हम वो भगवान हैं कि सतयुग के हम वही देवता हैं? हम आत्मा देवता हैं। आज जिन आत्माओं को पत्नी मिलती जाती है, पत्नी मिलती जाती है, चाहे गंगा हो, यमुना हो, जगदम्बा हो, तो वो आपको भूलती जाती है, कुर्सी इस दुनिया की, अभी नई दुनिया आ गई या आने वाली है? आने वाली, आई तो नहीं है, लेकिन इस पुरानी दुनिया में अगर कोई कुर्सी मिल जाती है तो वो कुर्सी अहंकार लाएगी या नहीं लाएगी? अहंकार जरूर लाती है। और हाँ, आत्मिक स्थिति में रहने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। हाँ, तो जैसे जैसे कर्म किए हैं वैसे ही वैसे स्वप्न और संकल्प आते हैं। हाँ, तुम्हें कैसे मालूम श्रेष्ठ थे? अपने या बोल दिए श्रेष्ठ थे इस जन्म के कर्म? हमारे कर्म श्रेष्ठ हैं या भ्रष्ट हैं ये तो रिजल्ट बताएगा, या हम कह सकते हैं कि हमारे कर्म श्रेष्ठ हैं? और कर्म
संकल्प क्यों बताया, संकल्प छोटा रूप क्यों बताया, संकल्प छोटा रूप क्यों होता है, क्यों बताया ना बटकेश क्यों बताया संकल्प बटुकेश्वर बटुक माने छोटा बालक, बटुक माने बालक जो चार सनत कुमार हैं वो छोटे छोटे बालक के रूप में दिखाए जाते हैं या बड़े दिखाए जाते हैं, है छोटे बालक के रूप में बटुक हैं, उन चार बटुकों में चार धर्म की बीज समाये हुए हैं, उनमें एक का नाम है सनत कुमार, उस सनत कुमार को योगीश्वर कहते हैं और शंकर को भी योगीश्वर कहते हैं, तो योगियों का ईश्वर कंट्रोल करने वाला एक होगा या दो होंगे, है एक ही होगा, तो इसका मतलब है कि जो सनत कुमार है वो ही शंकर है, बाकी तीन धर्म पिताओं के तीन बीज और भी हैं उनके नाम अलग अलग हैं, इसलिए चारों के नाम अलग अलग बताए हैं, सनत सनातन सनंदन सनत कुमार। और जैसे स्थूल किसी चीज में हम कोई सामान रखते हैं तो वो दिखता है, पर आत्मा इतनी छोटी सूक्ष्म होती है उसमें इतने सारे जन्मों का पार्ट कैसे भरा होता है, पहले रिकॉर्ड इतना बड़ा होता था वो क्या कहते थे उसको है ग्रामोफोन है ना, ग्रामोफोन में इतना बड़ा रिकॉर्ड होता था, अब छोटा सा पेन ड्राइव आता है और पेन ड्राइव में कितना भर जाता है, उस समय के मुकाबले अब कितना गुना भर जाता है, हैं? हजार गुना भी भर जाता है और अभी छोटा होता जा रहा है, तो आत्मा रूपी रिकॉर्ड छोटा नहीं हो सकता, हो सकता है, ऐसे छोटे से आत्मा रूपी रिकॉर्ड में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, बीज जितना छोटा होता है उसका वृक्ष उतना ही बड़ा होता है, जैसे बड़ा का वृक्ष, बीज बहुत छोटा है, और कलकत्ते में जाके देखो बनियन ट्री खड़ा हुआ है बड़ा का वृक्ष, वो कितना फैला हुआ है, कितना बड़ा वृक्ष हो गया, तो आत्मा रूपी जो बीज है वो भी अति सूक्ष्म है और उसका वृक्ष बहुत बड़ा हो जाता है। और इससे अंत होता है विज्ञान है, ज्ञान का आती है क्या विकारों है, ज्ञान का आती है क्या विकारों का, ज्ञान का विस्तार सत्युग में होता है या कलयुग में होता है, है और विस्तार में सार होता है या सार में विस्तार समाया हुआ होता है, सार माने बीज, तो कलयुग के अंत में ज्ञान का बहुत विस्तार हो जाता है, इतना विस्तार हो जाता है कि किसी की समझ में वो सृष्टि का बीज कौन है ये समझ में आ ही नहीं सकता, तो क्या करना चाहिए है, सार में समझ स्थिर होना चाहिए, नहीं समझ में आया है, अरे बोलो ना क्या, ये ज्ञान की अति है, विकार हैं
माने विपरीत, कार माने कर्म, विपरीत कर्म किसके विपरीत? श्रीमत के विपरीत कर्म। सतयुग के आदि में तो नहीं होते, सतो प्रधान स्टेज होती है तो अनुकूल कर्म होते हैं, फिर एकदम विपरीत कर्म कब होते हैं? है कलयुग के अंत में। माना सतयुग के आदि में हर आत्मा नंबरवार सात्विक स्टेज में स्थिर हो जाती है, और कलयुग के अंत में हर आत्मा नंबरवार तामसी बन जाती है। अब हिसाब क्या है? जो जितना बड़े आदमी का बच्चा होगा वो कुसंग मिलने पर ज्यादा खतरनाक बन जाएगा या कम खतरनाक बनेगा? तो ऐसे ही इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ में शिव बाप का बड़े से बड़ा बच्चा कौन है? बाबा ने तो मुरली में बता दिया, त्रिमूर्ति शिव कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों देवताएं हैं, तीनों देवताओं में महादेव शंकर, तो बड़ा बच्चा कौन हुआ? तो जो बड़ा बच्चा है वो नई सृष्टि के आदि में सबसे जास्ती सार रूप में टिकने वाला होगा, बीज रूप स्टेज में टिकने वाला होगा, सात्विक स्टेज में टिकने वाला होगा या तामसी होगा? है सात्विक होगा, सबसे जास्ती सात्विक स्टेज में वो होगा, और कलयुग के अंत में सबसे जास्ती तामसी स्टेज में वो होगा। तो सबसे जास्ती विकारी होगा या कम विकारी होगा? है अरे ज्यादा विकारी होगा। और विकारों से सृष्टि का विनाश होता है या निर्विकार से सृष्टि का विनाश होता है? हैं? विकार से सृष्टि का विनाश होता है। तो इस दुनिया में सबसे बड़ा रावण कौन बनता है? अंत में, एकदम अंत में राम ही रावण बनता है। जब रावण बनता है तो सबसे जास्ती विकारी, 500 करोड़ इतने विकारी नहीं हो सकते जितना राम वाली आत्मा विकारी बनती है। तो दुनिया का विनाश करने का निमित्त तो कौन कहा जाता है? है शंकर ही कहा जाता है। ये काम इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट गुरु नानक वो कर सकते हैं जो बीच में आते हैं, या जो सृष्टि के सबसे आदि में आया था वो कर सकता है। हैं? 500 करोड़ आत्माएं ऊपर से नीचे आती हैं, जन्म लेती हैं, सब नंबरवार हैं या छोटे बड़े हैं? हैं? नंबरवार छोटे बड़े हैं ना, तो कोई आत्मा सबसे पहले आने वाली भी तो होगी। जो सबसे पहले रंगमंच पर आती है वो बड़े से बड़ा पार्टधारी है, हीरो पार्टधारी, और हर बात में हीरो या कोई बात में हीरो, कोई बात में जीरो, हर बात में बाप। दुनिया की कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं जो तेरे पर लागू न होती। ये किसको बोला? तेरे एक को बोला जाता है कि दो चार को बोला जाता है? एक को बोला जाता है। हाँ जो बेसिक में हुआ है वो एडवांस में होगा, जो भी बेसिक में हुआ है वो एडवांस में होगा। एडवांस में बीज नहीं है, एडवांस में बीज रूप आत्माएं हैं,
या जड़ें हैं या पत्ते हैं या टहनी हैं, क्या हैं? हैं? बीज हैं। और बेसिक में, बेसिक में जो ठहरने वाले हैं वो बीज हैं या जड़ें हैं या तना हैं या पत्ते हैं या टहनियां हैं, क्या हैं? हैं? वो बीज नहीं है। बीज सबसे पावरफुल होता है। बेसिक में बाप नहीं चलाते ना? हैं? बेसिक में बाप नहीं चलाते हैं। नहीं चलाते ना बाप? बाप होता है उस समय? होता ही नहीं। बाप होता भी है तो प्रत्यक्ष नहीं होता। जैसे दुनिया में जन्म देने वाला बाप जिस समय जन्म देता है, बीज डालता है, वो बात किसी को टाइम किसी को पता होता है क्या? बच्चों को पता होता है? नहीं पता होता। तो आज में भी जो ज्ञान का बीज डालने वाला बाप था वो संसार के सामने प्रत्यक्ष था ही नहीं, और अभी भी गुप्त है। अंत में जब वर्षा देने का टाइम आएगा, बाप के दो ही मुख्य काम, एक तो जन्म देना और दूसरा वर्षा देना। तो अंत में जब वर्षा देने का टाइम आएगा तो बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा। जो अव्यक्त वाणी में बोला है, जो देखे, जो इन कानों से डायरेक्ट सामने आकर के सुने, उसके मुंह से क्या निकले? मेरा बाप आ गया। अभी तो ऐसा नहीं है। अभी सामने भी आ जाए तो एक तो क्या 100 प्रश्न का उत्तर करेंगे, 100 प्रश्न करेंगे, 100 के उत्तर भी ले लेंगे तो भी समझ में नहीं आएगा कि ये हमारा बाप। लेकिन मुरली में बोला है जब बाप की प्रत्यक्षता हो जाएगी तो प्रश्न पूछना बंद कर दे। हाँ, कब ही बनेंगे जब यह ज्ञान सुनकर और उनको सुनाएंगे? जब यह ज्ञान सुनकर और उनको सुनाएंगे? हाँ, नहीं तो पत्थर बुद्धि से पत्थर बुद्धि ही बनेगा। ठीक है, पत्थर बोलता है क्या? है पत्थर तो नहीं बोलेगा। पुरुषार्थी वो पुरुषार्थी है, ज्ञान ले रहे हैं, सुना नहीं रहे हैं, वो पत्थर बुद्धि ऐसे सुना रहे हैं। जो सुनाने वाले हैं, जो ज्यादा सेवा करने वाले सेवाधारी बच्चे हैं, उनको कौन याद करता है? हैं? शिव बाबा याद करता है। और जिनको भगवान याद करेगा उनको ज्यादा प्राप्ति होगी, या इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट जिनको याद करेगा उनको ज्यादा प्राप्ति होगी? ताकतवर कौन बनेंगे? तो फिर सुनकर के जो सुनाते हैं वो पत्थर बुद्धि से क्या बनते जावेंगे? पारस बुद्धि बनते जावेंगे। हाँ, बाबा का विरुद्ध है कि बच्चों को साथ लेकर के जाएंगे। एक साथ ही जाएंगे ना बाबा? बिल्कुल साथ ही जाएंगे, बारात पूरी साथ जाएगी। जब ईश्वरी मत से पूरी हो चुकेगी, ईश्वरी मत से पूरी हो जाएगी। पूरी माने क्या? आत्मा संपन्न बन जाएगी उसे पूरी कहेंगे, या आत्मा देहभान में रहेगी? जिसे बोला है जब तक जीना है तब तक पीना, तो देहभान में जब तक जीते रहेंगे तो ज्ञान लेते रहेंगे कि नहीं लेते रहेंगे? लेते रहेंगे। जीते रहेंगे देहभान में तो ज्ञान भी लेते रहेंगे। पहले लक्ष्मी नारायण तो तैयार हो जाएंगे, नारायण तैयार हो जाएगा, देवता बन जाएगा, उसमें हाँ, तो तब तक साथ जाने तक प्रतीत में सहार। तुम क्या समझते हो कि नारायण वाली आत्मा संपन्न बन जाने के बाद इस धंधे धोरी वाली दुनिया में रहती है कि सूक्ष्म वतनवासी हो जाती है? तो फिर वो नीची रहेगी, नीची स्टेज में रहेगी या ऊंची स्टेज में रहेगी? ऊंची स्टेज में रहेगी। शंकर से ज्यादा ऊंची स्टेज तो कोई होती ही नहीं है। बाप कहाँ रहेंगे? कौन बाप? शिव बाप तो कहते हैं मैं बच्चों को आप समान बना करके ले जाता हूँ।
तो कौन से बच्चे आप समान पहले बनते हैं? है? वो आप समान बन गए ना, तो बीज रूप स्टेज में टिक गए या देवान में टिक गए? जो टिक गए वो ऊंची स्टेज में होंगे, परमधाम के नजदीक होंगे या दूर होंगे? सबसे ज्यादा नजदीक कौन होंगे? वही होंगे। फिर वो निराकार कमाल है, बता दिया ना। जब तक जीना है माने लक्ष्मी नारायण के अलावा और बच्चे नहीं है बाप के, तो उनकी सेवा नहीं करेगा? अरे विनाश हो जाएगा तब मैं चला जाऊंगा। संगम योग होगा कि नहीं? सन 36 में होगा या नहीं होगा? तो संगम योग में बाप रहता है या नहीं रहता है? आत्मा रूपी बच्चों के साथ परम पिता का संगम होता है या नहीं होता है? नहीं होता है, होता है। हाथ तो उठाओ। हाँ निराकार को पोता मेल देने की जरूरत है? निराकार का पाप कर्म बनता है? बनता है तो उसे पोता मेल देने की जरूरत है? वो आपको पोता मेल देगा। धीरज धर मनुगा, धीरज धर। हमारी आत्मा त्रिशा, हमारी आत्मा त्रिशा में सीता का पार्ट हो जाती है और सीता भी आत्मा राम का पार्ट हो जाती है, राम वाली आत्मा किसे कहेंगे? राम वाली आत्मा उसी को कहेंगे जो फेल होती है। कौन फेल होता है? अव्वल नंबर सीता कौन और राम और सीता और ये जो नाम शास्त्रों में हैं, वो नाम असल में सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में पढ़ते हैं या संगम में पढ़ते हैं काम के आधार पर? हे राम सीता नाम कहाँ का है? है संगम का नाम है। तुम सब सीताएं हो, क्या बोला मुरली में? तुम सब सीताएं हो, रावण की जेल में फंसी हुई हो, बाप आकर निकालते हैं। राम बाप है एक और सीताएं हैं अनेक, बाप आकर के निकालते हैं। तो बड़ी से बड़ी सीता का नाम क्या है? जो रावण के सबसे ज्यादा जकड़ में जकड़ी हुई है वो सीता कौन है? जगदम्बा। जगदम्बा की जो मूर्ति है पार्ट बजाने वाली, जो मूर्ति है वो जगदम्बा की आत्मा पार्ट बजाती है या उसमें कोई दूसरी आत्मा पार्ट बजाती है जिसकी पूजा होती है? ब्रह्मा की पूजा नहीं होती क्योंकि दाढ़ी मूछ वाला है। फिर बोला यही ब्रह्मा, फिर लास्ट में जगदम्बा बन जाएगा। तो कोई में प्रवेश होकर बनेगा या ऐसे ही बनेगा? प्रवेश होकर के वही जगदम्बा बनती है। सारे जगत की अम्बा में सहन शक्ति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? है? अरे सारे जगत की अम्बा होगी तो उसमें बहुत सहन शक्ति होनी चाहिए या थोड़ी? देवी देवता सनातन धर्म के बच्चे माँ की गोद में आकर के अगर बचपना दिखाते हैं तो वो अति का राक्षसी बचपना होगा या साधारण होगा? है? है? देवी देवता सनातन धर्म के बच्चों का, देवी देवता सनातन धर्म के बच्चे माता की गोद में आते हैं, जैसे दिल्ली की गोद में सब धर्म के बच्चों ने आके राज्य किया,
और मनमाना राज्य किया। जैसे नादर शाह आया तो उसने सारी दिल्ली में खून की नदियां बहा दी और दिल्ली का राजा देखता रह गया। तो उस समय बड़ा राजा कौन हुआ? नादर शाह। उसने भी दिल्ली की गोद में मनमाना शासन किया। तो जो भी विधर्मी हैं, वो दिल्ली की गोद में शासन करते हैं तो ज्यादा दुखदायी कौन होते हैं? देवी देवता सनातन धर्म के शासन करता या और धर्मों के शासन करता? वो अति कर देते हैं।